गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं मनोज जांगड़ा अपने YouTube फैमिली CBSE मैथ गुरुजी पर आपका स्वागत करता हूं। अब 10th क्लास में हमने अब तक उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे, और उसके अलावा जो डिवाइड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। दो तरीके के क्वेश्चन आज हम करेंगे, एक तो डिवीजन एल्गोरिथम पे और एक दूसरे जो डिवाइड से रिलेटेड क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल का डिवाइड हम पहले ही सीख चुके हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि वीडियो पॉज करके आप पहले ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चंस नोट कर लिए, चले आगे। चलो थैंक यू। डिवीजन एल्गोरिथम बच्चों हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार स्टार्ट कराने से पहले आपको दोबारा समझा देता हूँ क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम। बच्चों एक ऐसा बेसिक सा फैक्ट है जो आपको पहले से ही पता है, बस उसको लिखने का तरीका बदल गया। आप सभी को पता है अगर किसी नंबर 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 4 8 रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 1। तो आपको पता है क्या हम इस 9 को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 4 + 1, क्योंकि आपको पता है 2 4 8 और 8 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 9। क्या यह हमेशा बराबर होगा, क्या यह हमेशा बराबर होगा? बिल्कुल बच्चों, आप कोई भी डिवाइड लेते हो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। बस पॉलिनोमियल के केस में हम थोड़ा सा बदल देते हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको हम पी एक्स कहते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम जी एक्स कहते हैं, जो क्वेश्चंट आता है उसे क्यू एक्स कहते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसे हम आर एक्स कहते हैं। समझ गए बात को? तो अगर यही वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई करूँ तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एक्स को जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस आर एक्स, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। समझ में आया बच्चों या नहीं समझ में आया? कोई प्रॉब्लम बच्चों? जिसको डिवाइड किया वो पी एक्स कहते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे जी एक्स कहते हैं, जो क्वेश्चन आया उसे क्यू एक्स कहते हैं, जो रिमाइंडर आया आर एक्स। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसकी इससे मल्टीप्लाई, डैट मीन्स जी एक्स की मल्टीप्लाई क्यू एक्स से, जी एक्स की मल्टीप्लाई क्यू एक्स से प्लस आर एक्स। इस लाइन को हम क्या कहते हैं बच्चों, डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स को हमें जी एक्स से डिवाइड करना है। डिवाइड करने से पहले मैं आपको पिछले डिवाइड वाली वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप दोबारा देख सकते हो जिन बच्चों को पॉलिनोमियल का डिवाइड नहीं आता। बच्चों रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो करने से पहले आपको पॉलिनोमियल का डिवाइड अच्छे से आना चाहिए, अगर नहीं आता तो आप दोबारा जाके उस वीडियो को देख सकते हो, उसका लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने सिखाया था बच्चों, जब भी आप डिवाइड कर रहे हो तो जो पॉलिनोमियल लिखोगे वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहले सबसे बड़ी पावर, और अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे सबसे बड़ी पावर है x³, फिर उससे छोटी पावर 3x², फिर उससे छोटी पावर, और फिर उससे छोटी, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसके साथ भी यही करना, पहले सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। आगे बात समझ में नहीं आई बच्चों? उसके बाद मैंने डिवाइड करने का तरीका समझाया था कि ये x³ है, ये x² है, तो यहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी x की। ये कैसे आया याद नहीं है तो फिर से याद दिला दूँ, -x² माइनस से माइनस, और यहाँ से कैंसिल करके क्या आएगा x। बेटा x की x² से करोगे कितना आ जाएगा x³, x की x से करोगे कितना आ जाएगा x², और x की -1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों x। उसके बाद हम साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट, साइन चेंज करेंगे 3 में से 1। साइन चेंज करने के बाद जो वैल्यू आती है बेटा उसको कंसीडर करते हैं, ये x² माइनस का, ये प्लस का, 3 में से 1 गया कितना आ गया 2x², यहाँ पे भी साइन चेंज करेंगे, ठीक है।
तो ये प्लस का एक्स हो चुका, माइनस थ्री में से प्लस का वन गया, माइनस का टू एक्स, और ऊपर से कितना उतार लिया बच्चों, फाइव। अब यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, माइनस के टू की, माइनस का टू एक्स, माइनस माइनस प्लस और टू की एक्स स्क्वायर से करोगे टू एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से बच्चों टू की एक्स से करोगे टू एक्स प्लस माइनस माइनस, टू वन जा टू, माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज करोगे ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, फाइव में से टू गया थ्री। आगे बात समझ में नहीं आई बच्चों, फिर उसने आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि इस कंडीशन को हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब है इस कंडीशन का जो LHS है वो उसके किसके बराबर आना चाहिए, RHS के बराबर आना चाहिए। तो मैंने बताया था जिसको डिवाइड करते हैं उसे PX कहते हैं, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम हमारी क्या होती है, PX इज इक्वल्स टू GX इंटू में QX प्लस RX। तो एक बार फिर से बता दूँ, जो रिमाइंडर आता है बच्चों उसे हम RX कहते हैं, जो क्वेश्चन आता है उसे हम QX कहते हैं, जिसको हम डिवाइड कहते करते हैं उसे हम PX कहते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम GX करते हैं। हम RHS लेके चलेंगे बच्चों, LHS अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, GX क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का X माइनस का वन, QX क्या है बच्चों, क्वेश्चन X माइनस टू, रिमाइंडर कितना है बच्चों, थ्री। अब आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, नहीं भी आता तो बता दूं, पहले x की इन तीनों से मल्टीप्लाई होगी, x की x स्क्वायर से करोगे x की पावर थ्री, x की x से करोगे x स्क्वायर, और x की माइनस वन से करोगे x। इसी तरीके से माइनस टू की इन तीनों से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस प्लस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 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 प्लस। सिंप्लीफाई करके देखते हैं बच्चों क्या आएगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और टू एक्स स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स माइनस का टू एक्स माइनस का थ्री एक्स, और थ्री और टू फाइव। देखते हैं क्या यही आया, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स और प्लस का फाइव। समझ में आई बात बच्चों, फिर से एक बार देख लेते हैं, एक्स की पहले इन तीनों नंबर से, एक्स की एक्स स्क्वायर से किया एक्स क्यूब, एक्स की एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स की वन से किया माइनस एक्स। इसी तरीके से माइनस टू की एक्स स्क्वायर से करेंगे प्लस टू एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस टू की एक्स से करेंगे माइनस टू एक्स, माइनस माइनस प्लस, टू वन जा टू और ये थ्री है, जिट इज सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया, और ये हमारा क्या है, पी एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हमारा LHS किसके बराबर है, RHS, hence वेरीफाइड। फिर से सुन लो, जो रिमाइंडर आता है उसे आर एक्स कहते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसे पी एक्स कहते हैं, जो क्वेश्चन आता है उसे क्यू एक्स कहते हैं, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जी एक्स कहते हैं। समझ में आया बच्चों पहला क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अब अगला क्वेश्चन आपने कॉपी में नोट कर रखा है बच्चों, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन, जिन्होंने क्वेश्चन नहीं उतारे बच्चों वीडियो की स्टार्टिंग में जाके फिर से रिक्वेस्ट है, पहले जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखवाए गए थे वो अपने पास एक पेज पे लिख लो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि बार बार मैं उन क्वेश्चंस को लिखूंगा, हमारा बहुत टाइम खराब होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा है, उन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल एफ एक्स, यानी कि ये कह रहा है कोई एफ एक्स आपके पास पॉलिनोमियल है एक्स की पावर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ठीक है। इसको एक पॉलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड अगर हम करें तो जो क्वेश्चन आएगा क्यू एक्स वो हमें मिलेगा एक्स माइनस टू, एंड जो रिमाइंडर आएगा आर एक्स वो है माइनस टू एक्स प्लस फोर, माइनस टू एक्स प्लस फोर। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें जी एक्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, जी एक्स फाइंड करना है बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा डिवीजन एल्गोरिथम, तो उसमें हमने सीखा पी एक्स इसके बराबर होता है जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। इस क्वेश्चन को आगे करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो आपके पास ये एक लीनियर इक्वेशन है, इस लीनियर इक्वेशन को आप कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले आप इस प्लस के फोर को इधर लाओगे, टेन माइनस फोर, बेटा जब उस फोर को इधर लाए तो आपने माइनस किया, यानी कि आप इधर ला रहे हो, जब उसको तो क्या चेंज कर रहे हो, साइन चेंज कर रहे हो, टू एक्स
फिर माइनस करने पे आ गया 6, उसके बाद ये जो 2 मल्टीप्लाई का इसको इधर लाके किसका करोगे डिवाइड, और आपको फाइनली किसकी वैल्यू मिल जाती है x की। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें यही करना है, सबसे पहले इस रिमाइंडर को इधर लाके माइनस करेंगे और इस क्वेश्चन से इधर लाके डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते ही जो क्वेश्चन आएगा वही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। तो यहाँ से अगर मैं जी एक्स की वैल्यू निकालूँ बच्चों तो किसके बराबर आएगी पी एक्स माइनस का आर एक्स और डिवाइडेड बाय क्यू एक्स। अब हर एक वैल्यू हमारे पास से पुट करें, पी एक्स कितना है बच्चों एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स के प्लस एक्स प्लस टू माइनस रिमाइंडर कितना माइनस का टू एक्स प्लस का फोर। कोई प्रॉब्लम बच्चों माइनस का टू एक्स प्लस का फोर। बच्चों रिमाइंडर लिखते वक्त ध्यान रहे ब्रैकेट जरूर लगाना क्योंकि पूरे के बाहर माइनस है वो पूरे का साइन क्या करेगा चेंज, और डिवाइड किससे करना हमें एक्स माइनस टू से, ठीक है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो कितना है एक्स माइनस टू। आ जाओ बच्चों कितना आ गया एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, बच्चों माइनस माइनस प्लस टू एक्स में एक्स जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा थ्री एक्स, प्लस माइनस माइनस फोर में से टू गया कितना आ गया माइनस टू, किससे डिवाइड करना है बच्चों एक्स माइनस टू से। डिवाइड करते ही जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा सॉरी रिमाइंडर तो जीरो आएगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, रिमाइंडर जीरो आएगा जो क्वेश्चन होगा वही हमारा क्या होगा आंसर। तो यहाँ एक्स क्यूब है यहाँ एक्स है तो किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की एक्स से करेंगे एक्स की पावर थ्री, एक्स स्क्वायर की टू से करेंगे बच्चों टू एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस माइनस थ्री में से टू गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस का एक्स माइनस की एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का टू एक्स, ठीक है बच्चों फिर साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल 3x में से 2x गया x माइनस टू, यहाँ पर भी x यहाँ पे भी x, ये प्लस वन एक्स माइनस टू प्लस माइनस प्लस ये भी कैंसिल रिमाइंडर कितना आ गया जीरो, वो आएगा ही इस तरीके के क्वेश्चन में। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा बच्चों इसका मतलब आपने डिवाइड में कोई ना कोई मिस्टेक की है। अब फाइनली ये जो क्वेश्चन आया है वही आपका क्या होगा आंसर जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से कहूँगा जिन बच्चों को पॉलिनोमियल के डिवाइड नहीं आते बच्चों वो इससे पहले मैंने पॉलिनोमियल का डिवाइड सिखाया है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले डिवाइड की प्रैक्टिस करनी है उसके बाद ये वाली वीडियो देखनी है। अगर डायरेक्ट आप ये वाली वीडियो देखोगे और आपको पॉलिनोमियल का डिवाइड नहीं आता तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पहले आपको पॉलिनोमियल का डिवाइड सीखना है उसके बाद ही है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं डिटेल में आपको समझा पाऊँ कि मैंने एक्स के एक्स वन क्यों लिखा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बच्चों चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके तीसरा क्वेश्चन बच्चों, तीसरे क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है हमसे 8x की पावर 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 में से क्या माइनस किया जाए कि ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, 9 में से क्या छोटे से छोटा नंबर माइनस करूँ कि ये नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 2 4 8 रिमाइंडर कितना आ गया 1। बच्चों अगर मैं इस 9 में से 1 माइनस कर दूँ, 9 में से 1 माइनस करने पर कितना आ गया 8, क्या 8 2 से डिवाइड हो रहा है। कोई बच्चा कहेगा सर हम 3 भी तो माइनस कर सकते हैं, बेटा मैंने कहा स्मॉलेस्ट नंबर जो हम इसमें से माइनस कर सकें, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जिसमें से माइनस कर सके तो वो क्या होगा 1। तो 9 में से 1 गया 8, अब 8 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 4 8 रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों 0, यानी कि कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमसे क्या क्या आ गया कि इसमें से क्या माइनस करूँ कि ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे बच्चों, जो भी रिमाइंडर आएगा उसी को हम कह देंगे दिस शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय दिस। फिर से क्या आ गया बच्चों डिवाइड। तो यहाँ पे बेटा 8x की पावर 4 है, यहाँ 4 है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी 2x स्क्वायर, 4 2 जा 8x की पावर 4, 3 2 जा 6x क्यूब,
टू टू जा फोर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस। बच्चों साइन चेंज होते ये कैंसल आउट, ये माइनस का कंसीडर करना ध्यान रखना, ऊपर प्लस है नीचे माइनस नीचे वाला साइन। तो 14 में से 6 गए कितने बच गए 8x³ प्लस 4 माइनस 2, तो माइनस का 2x² प्लस का 7x। क्या है बच्चों यहाँ पर 8x³, यहाँ कितना है 4, तो फिर से हमें किसकी जरूरत पड़ेगी 2x की। तो 2 4 जा 8x³ 3 2 जा 6x² 2 2 जा 4। साइन चेंज करेंगे बेटा प्लस माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा कैंसल। माइनस का 6 माइनस का 2 कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 8, 7 और 4 11x। कोई प्रॉब्लम बच्चों, या कितना आ गया माइनस का 8, ठीक है माइनस का 8x² और वहाँ क्या 4। जिसको नहीं आ रहा कि मैं कैसे लिख रहा हूँ एक बार फिर देख ले, इसको आप इससे डिवाइड करोगे 4 2 जा 8x² से x² कट गया, इसका मतलब किसकी जरूरत पड़ेगी माइनस 2 की। माइनस 4 2 जा 8, ठीक है बच्चों 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस और 2 2 जा 4, ऊपर से हमने माइनस का 8 उतार लिया। फिर से क्या करेंगे बच्चों साइन चेंज, ये क्या हो जाएगा कैंसल आउट। 11 और 6 कितना आ जाएगा बच्चों 17x माइनस 4, ये हमारा आ गया रिमाइंडर। वहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आया था और 1 को हमने इसमें से क्या कर दिया था माइनस, माइनस करने पे जो भी नंबर आया था वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम कहेंगे 17x माइनस 4 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8x⁴ 14x³ माइनस 2x² प्लस 7x माइनस 8 सो डैट इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4x² प्लस 3x माइनस 2। समझ में आया बच्चों। इसी से जो हमारा जो अगला क्वेश्चन था फोर्थ क्वेश्चन, उसमें ये लिखा व्हाट मस्ट बी एडिड, तो बच्चों वो आपको खुद करना है। मैं बता देता हूँ आपको करना क्या, आपको इसी तरीके से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा ध्यान रहे बच्चों जो भी रिमाइंडर आएगा उसके बाहर आप माइनस का साइन लगाओगे, क्योंकि माइनस प्लस प्लस माइनस वापस क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा। तो फिर से सुन लो, अगर क्वेश्चन आ रहा है व्हाट शुड बी एडिड, इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो आपको क्या लिखना है जो भी रिमाइंडर आया है उसके आगे माइनस का साइन लगाओगे या फिर लिखोगे माइन पूरे के आगे माइनस शुड बी एडिड टू दिस सो दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय दिस। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है बच्चों, आप उस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट पूछ सकते हो। जो भी आपके डाउट आए हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें शॉर्ट आउट करने की, ठीक है। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करा करो बच्चों, जिससे मुझे भी ये पता चले कि कहाँ दिक्कत आ रही है और मैं उन्हें पूरी कर सकूँ, ठीक है। चले आगे, फिर उसके बाद आपने जो क्वेश्चन उतारे हैं बच्चों उनमें फिफ्थ क्वेश्चन देखो ध्यान से। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो डैट x⁴ x³ प्लस 8x² प्लस ax प्लस b इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय x² प्लस 1। ये क्या कह रहा है, a और b की जगह मैं क्या लिखूं जिससे ये इससे पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। कई बच्चे बच्चों इस सोचने में टाइम ख़राब करते हैं कि a और b की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो उसके ऊपर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ज़रूर पता है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है डिवाइड। तो पहला काम ये करो कि आप डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद देखेंगे कि ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो हम डिवाइड स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ x² या x⁴, तो यहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी x² की x² से करेंगे x⁴, x² की 1 से करेंगे x², ठीक है प्लस माइनस कैंसल आउट, x³ उतार लो, 8 में से 1 गया कितना बच गया 7x² या x³ बच्चों या x², तो किसकी जरूरत पड़ेगी x³ x की 1 से करेंगे x प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट, क्या उतारेंगे 7x² ये चीज मैं पहले भी अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। ax माइनस x, अगर ये माइनस नहीं हो रहे तो आप इनमें से कॉमन ले सकते हो, और अगर आप x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बेटा a माइनस 1, ऊपर से आपने प्लस का भी उतार लिया, या 7x² या x², तो किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों 7 की x² से करूँगा 7x² 7 बन जाओ 7
प्लस माइनस कैंसल आउट, ए माइनस वन एक्स या साइन चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा बी माइनस सेवन। कोई प्रॉब्लम बच्चों? इसने क्या कहा है बच्चों क्वेश्चन में, आप सोचना है ये ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी। इसने क्वेश्चन में क्या कहा कि अगर ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, और कोई भी चीज़ कम्प्लीटली डिविजिबल कब होती है बच्चों, जब रिमाइंडर क्या होता है जीरो होता है। कोई भी चीज़ पूरी पूरी डिवाइड जब होती है, जब रिमाइंडर क्या आता है बच्चों जीरो आता है, तो ये रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो हम यहाँ जीरो तो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ए माइनस वन एक्स प्लस बी माइनस सेवन। उससे पहले लिखेंगे ओन कंपेयरिंग, बच्चों मैं कंपेयरिंग कर रहा हूँ, इक्वल नहीं रख रहा, ध्यान रखना। ओन कंपेयरिंग दिस विद जीरो एक्स प्लस जीरो, जीरो एक्स प्लस जीरो बच्चों जीरो ही होता है। अब कंपेयर करने मतलब यहाँ एक्स के साथ कितना है ए माइनस वन, यहाँ एक्स के साथ कितना है जीरो, तो माइनस वन उधर जाके प्लस का वन हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन। यहाँ बी माइनस सेवन है, उधर जीरो है, ठीक है, तो बी इक्वल्स। आगे बात समझ में या नहीं आई? कोई प्रॉब्लम बच्चों? कोई दिक्कत? इस टॉपिक का हमारा आखिरी क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन, वो एक बार और देख लेते हैं बच्चों। इसमें भी इसने क्या कहा है, अगर 6x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7 को अगर हम डिवाइड करें 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से, ठीक है, तो जो रिमाइंडर आता है वो ए एक्स प्लस बी आता है। रिमाइंडर क्या आता है ए एक्स प्लस बी। फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूं तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो आता है ए एक्स प्लस बी, तो ए और बी की क्या बताओ वैल्यू बताओ। बच्चों फिर से देखेंगे ए और बी की वैल्यू को हम बाद में कंसिडर करेंगे, स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए डिवाइड, क्योंकि हमें पता क्वेश्चन में क्या होना है डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 है यहाँ 3, तो किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों 2x के है, 3 2 जा 6x की पावर 4, 2 4 जा 8x क्यूब, 2 1 जा 2x के है, प्लस माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो गया बच्चों कैंसिल, ये भी क्या हो गया कैंसिल। 17 में से 2 गए कितने बच गए 15x के है, ऊपर से कितना होता है 20x और 7। अब यहाँ 15x के है।